क्या आप भी खाना चाहते हैं मज़ेदार सी नहारी? तो जल्दी से मेरी ये वीडियो देखिए और इस रेसिपी से बनाइए मज़ेदार नहारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशियल एंड मर्सफुल। परफेक्ट बीफ नहारी बनाने के लिए हमें चाहिए बीफ, बोटियाँ ज़्यादा छोटी नहीं होनी चाहिए, साथ में कुछ नली हो तो भी आप उसे ऐड कर दीजिए तो ज़्यादा टेस्टी रहेगा। सबसे पहले हम गोश्त की यखनी बनाएंगे। इसके अंदर मैं 3 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ और ये तकरीबन 1/2 kg से ज़्यादा मेरे पास गोश्त है। 1 बड़ा चम्मच लहसुन अदरक ऐड कीजिए, लहसुन अदरक का पेस्ट, और सॉल्ट ऐड कीजिए अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। सॉल्ट मैंने 1/2 टीस्पून यूज़ किया है क्योंकि नहारी के मसाले में भी सॉल्ट होता है। तकरीबन 2 बड़े टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ पर नहारी का मसाला ऐड किया है। 1 स्मॉल साइज अनियन के स्लाइसेस करके ऐड किए हैं। कुकर में गोश्त गला रहे हैं तो गोश्त बहुत जल्दी देखिए गल गया। तकरीबन 2 सीटी के बाद ही हमारा जो है वो गोश्त गल गया। आटे को मैंने भूना नहीं है, ये मैंने वैसे ही आटा लिया है, इसको पानी में अच्छे से घोल लिया था और इसके बाद इसके अंदर नहारी में ऐड कर दिया है। आटे के इस बैटर को आप आहिस्ता आहिस्ता से ऐड कीजिएगा ताकि आपकी नहारी के अंदर कोई लम्स ना बने। तकरीबन 1/2 घंटे और मैंने नहारी को आटा शामिल करके पकाया है। अब इसका सेकेंड स्टेप की तरफ जाते हैं जो कि है हमारा बघार। 1 मीडियम साइज़ अनियन लिया है, उसको मैंने स्लाइस करके ऑयल के अंदर ब्राउन कर लिया है, और सबसे लास्ट में नहारी का मसाला 2 टेबल स्पून दोबारा ऐड किया है। नहारी मसाला ऐड करने के बाद चूल्हा बिल्कुल बंद कर देना है ताकि मसाला आपका जले ना। और ये देखिए हमारे पास झटपट सी परफेक्ट बीफ नहारी तैयार है। इसकी गार्निशिंग के लिए मैंने हरी मिर्चें, अदरक और नींबू यूज़ किया था। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अंटिल देन, गुड बाय।